एवरीबडी, दिस इज डिजिटल ब्लैक बोर्ड बाय सचिन पे नागमोते। इस वीडियो में हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम बोडे प्लॉट। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम विज एसिम्प्टोटिक गेन प्लॉट इज शोन। तो इसके पहले भी वीडियो में भी हमने एक प्रॉब्लम देखा था जिस पर हमने हमें क्या किया था, हमें मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया था और उस मैग्नीट्यूड प्लॉट के ऊपर से हमने क्या निकाला था, ट्रांसफर फंक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड प्लॉट के ऊपर से अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि देखो जहाँ पे भी इस पर हर एक लाइन का स्लोप अलग अलग है और जिस पॉइंट पे स्लोप जो है चेंज हो जाता है, इसका मतलब उस पॉइंट पे जो है क्या किया है, एक फैक्टर ऐड किया है। फैक्टर ऐड किया इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोल या जीरो ऐड होता है और पोल और ऐड जीरो करने के बाद ही उस लाइन का स्लोप क्या होता है, चेंज। तो सबसे पहले हमें वो फैक्टर भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर फैक्टर पोल है कि जीरो है। उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट की फ्रीक्वेंसी भी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि वो उसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जिस पॉइंट पे जो है स्लोप चेंज हो जाता है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा अगर हम करते गए तो हमें क्या मिल जाता है, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, दैट इज जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस निकालने के लिए क्या करने पड़ेंगे, हमें डिफरेंट फैक्टर निकालने पड़ेंगे, दैट इज गेन निकालना पड़ेगा के। उसके बाद अगर वो फैक्टर जीरो है तो उसको न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा, अगर वो फैक्टर पोल है तो उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा और ऐसे करते जाएंगे और फाइनली क्या मिलेगा हमें, ट्रांसफर फंक्शन। तो इस प्रॉब्लम में भी हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम फाइंड आउट करते हैं गेन के। अब सबसे पहले गेन के फाइंड आउट करना है हमें, तो के फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड प्लॉट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और ऑब्जर्व करने के बाद ये देखना कि मैग्नीट्यूड प्लॉट शुरू कहाँ से हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट शुरू कहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे इसमें देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड प्लॉट जो शुरू हो रहा है वो 0 dB से शुरू हो रहा है, यानी हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डीबी एक्सिस को 0 पे, 0 dB को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो मैग्नीट्यूड प्लॉट ना ऊपर शिफ्ट हुआ है ना नीचे शिफ्ट हुआ है और शिफ्ट करने का काम ही कौन करता है, गेन के करता है, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हुई है, मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB से शुरू हो रहा है, इसका मतलब बट नेचुरल है हमारा वैल्यू क्या होगा, 20 log k मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, 0, तो k कितना है, 1। तो सिंपल ट्रिक है यहाँ पे, अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB से शुरू होता है तो k की वैल्यू कितनी बन जाती है, 1, तो एज इट इज उसको 1 लिख लेना। तो हमने सबसे पहला फैक्टर फाइंड आउट किया गेन k। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी पोल्स और अलग फैक्टर्स निकालेंगे, यानी पोल्स रह गया या फिर 0 ऐड किया है वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए सब हम क्या करना पड़ता है, हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि किस पॉइंट पे जो है स्लोप चेंज हो रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ तक जो है स्लोप है 0 dB पर डिकेड और इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया, चेंज हो गया, कितना हो गया, -20 dB पर डिकेड, यानी इस पॉइंट पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यानी इस पॉइंट पे अगर स्लोप चेंज हो रहा है इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या किया होगा, फैक्टर ऐड किया होगा। अब वो फैक्टर हो सकता है पोल हो या फिर 0 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे जो फैक्टर ऐड किया है वो पोल है कि 0 है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, उसके लिए हम निकालना पड़ता है रिजल्टेंट स्लोप। तो रिजल्टेंट स्लोप का फार्मूला है करंट स्लोप माइनस प्रीवियस स्लोप। तो करंट स्लोप का मतलब उस पॉइंट के बाद जो भी स्लोप है वो करंट स्लोप होता है और उस पॉइंट के पहले जो स्लोप होता है वो प्रीवियस स्लोप होता है। तो करंट स्लोप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, करंट स्लोप है -20 dB पर डिकेड और प्रीवियस स्लोप कितना है, 0 dB पर डिकेड। इसका मतलब हमने वैल्यू पुट करना है -20 dB -0 dB, तो रिजल्टेंट स्लोप हो गया -20 dB। तो अगर निगेटिव स्लोप है ऐड किया, इसका मतलब बट नेचुरल है वो फैक्टर क्या होगा, वो फैक्टर होगा पोल और उस पर्टिकुलर पॉइंट की फ्रीक्वेंसी भी हमें दिया है ऑलरेडी ω1, दैट इज 1 rad/s। इसका मतलब वो फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 + s/ω1, दैट इज 1 + s/1, क्योंकि ω1 क्या दिया है, 1। तो हमने सबसे पहला फैक्टर फाइंड आउट किया जो पोल है और वो फैक्टर हमने लिख के रख दिया है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे फिर से हम चेक करेंगे कि पोल कहाँ पे जो है स्लोप चेंज हो रहा है। तो आपको दिख सकता है कि इस पॉइंट पे जो है क्या हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई फैक्टर ऐड किया होगा। अब वो फैक्टर पोल हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, तो वो सबसे पहले हम पता करेंगे कि वो फैक्टर पोल है कि 0 है। तो उसके लिए फिर से हम फार्मूला यूज करेंगे, रिजल्टेंट स्लोप इज इक्वल टू करंट स्लोप माइनस प्रीवियस स्लोप। तो करंट स्लोप कितना है, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद जो स्लोप है वो है 0 dB पर डिकेड और इस पॉइंट के पहले यानी प्रीवियस स्लोप है -20 dB पर डिकेड। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया वहाँ पे 0 dB माइनस ऑफ -20 dB, तो हमारा रिजल्टेंट स्लोप आ गया 20 dB। अब रिजल्टेंट स्लोप अगर पॉजिटिव है तो बट नेचुरल है वो क्या होगा, वो फैक्टर होगा 0, वो फैक्टर हो जाएगा 0।
और उस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा 2, इसका मतलब वो फैक्टर हो जाएगा 1+s/ω2। लेकिन ओमेगा 2 यानी वैल्यू उस फ्रीक्वेंसी की दी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पर्टिकुलर ओमेगा 2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ओमेगा 1 कितना था, 1 rad/s ऑलरेडी दी थी वैल्यू, लेकिन ओमेगा 2 की वैल्यू दी नहीं है, इसका मतलब हमें ओमेगा 2 निकालना पड़ेगा। अब ओमेगा 2 अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें और एक दो स्टेप आगे करनी पड़ेंगी। तो कैसे निकालेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2, उसके पीछे हम लगेंगे। तो आप देख सकते हो कोई भी अगर लाइन है उसका जो स्लोप है तो उसका स्लोप इक्वेशन होता है y=mx+c। तो हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर लाइन जो है, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए हम स्लोप इक्वेशन लिखेंगे। अब इस पर्टिकुलर लाइन में जो है दो एंड से, ये स्टार्टिंग एंड है और ये फिनिशिंग एंड है, तो दोनों एंड के लिए हम जो है इक्वेशन लिखेंगे y=mx+c। तो y क्या होता है, y होता है y एक्सिस की वैल्यू, m होता है उस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप, x होता है x एक्सिस की वैल्यू और c होता है कांस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए y कितना है 0, m कितना है -20 dB, x कितना है, तो x दिया है x एक्सिस की वैल्यू 1 rad/s, और c तो कांस्टेंट है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो 0 = -20 × log 1। तो ये 1 rad/s भली है लेकिन ये लॉगरिथमिक स्केल रहती है x एक्सिस पे, इसलिए हम सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, log 1 लिखेंगे। सो 20 dB × log 1+c, तो यहाँ से हमें c मिल गया, तो c होता है, यहाँ पे c आ गया 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, उसी लाइन का जो दूसरा एंड है, यानी उसी लाइन का दूसरा एंड कौन सा है, ये इस यहाँ पे भी हम y=mx+c का इक्वेशन, स्लोप इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे y कितना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए y है -20, m कितना है, तो m अभी भी -20 dB/dkd है, उसके बाद x कितना है, तो x से ओमेगा 2 और c, तो c हम लिखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से वही इक्वेशन उस सेकंड पॉइंट के लिए, सो -20 = -20 log ω2+c, क्योंकि सिंपल ओमेगा 2 नहीं लिखेंगे, लॉगरिथमिक स्केल है तो लॉग ओमेगा 2 लिखेंगे। सो -20 = -20 log ωt+c, यहाँ पे c की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 0, c की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी तो हमें यहाँ से आराम से जो है log ओमेगा 2 मिल जाता है 1, log ओमेगा 2 अगर 1 है तो ओमेगा 2 कितना हो गया 10 rad/s, इसका मतलब ओमेगा 2 जो अननोन था वो निकालना काफ़ी ज़रूरी था, तो हमने ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल दी जो है 10 rad/s, तो यहाँ पे हमें मिल गया ओमेगा 2। तो यहाँ पे फिर से हम फैक्टर लिख देंगे अभी 1+s/10, ठीक है। चलो तो ओमेगा 2 के बदले क्या लिखेंगे हम अभी, 10, क्योंकि हमने वो वैल्यू अभी निकाल दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे फिर से हम सोचेंगे कि किस पॉइंट पे जो है स्लोप चेंज हो रहा है। तो आगे इस पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, एट इज ओमेगा 3, इस पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है। अब स्लोप तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई फैक्टर ऐड किया होगा। अब वो फैक्टर ऐड किया है वो पोल है कि जीरो है, उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम फार्मूला यूज करेंगे, रिजल्टेंट स्लोप = current slope - previous slope। अब करंट स्लोप कितना है, तो इस पॉइंट के बाद जो भी स्लोप है वो कितना है 20 dB/dkd, और इस पॉइंट के पहले जो स्लोप है वो कितना है 0 dB/dkd, वैल्यू पुट कर दो। सो रिजल्टेंट स्लोप = 20 dB - 0 dB, तो रिजल्टेंट स्लोप हो गया 20 dB। अब पॉजिटिव स्लोप है तो बट नेचुरली ये फैक्टर क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा 0, और ये फैक्टर 0 हो गया तो उसका वैल्यू क्या, कैसे लिखेंगे वो फैक्टर, 1+s/ω3। अब यहाँ पे फिर से ओमेगा 3 हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ओमेगा 3 की वैल्यू दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक यूज करेंगे ओमेगा 3 निकालने के लिए। तो हमारा अभी नेक्स्ट मिशन क्या है, ओमेगा 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब ओमेगा 3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर से सेम फंडा यूज करेंगे, हम इस पर्टिकुलर लाइन को कंसिडर करेंगे, और इस दोनों पॉइंट के लिए, पहले पॉइंट के लिए और दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे, स्लोप इक्वेशन y=mx+c। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए y कितना है, तो y एक्सिस की वैल्यू है -20, m कितना है, तो m है स्लोप 20 dB, और फिर x कितना है, तो x से ओमेगा 3, तो ओमेगा 3 नहीं लिखेंगे, लॉगरिथमिक स्केल है तो लॉग ओमेगा 3 लिखेंगे और c लिखेंगे, इसका मतलब -20 = 20 log ω3+c। ये इक्वेशन बन गया हमारे पास, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिल रही हमें c की, तो इक्वेशन बन गया 1। अब उसी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, उसी लाइन के लिए सेकंड पॉइंट के लिए भी हम क्या करेंगे, स्लोप इक्वेशन लिखेंगे। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्लोप इक्वेशन अगर हमने लिखा, तो इस पॉइंट के लिए y कितना है, इस पॉइंट के लिए y है 0, देखिए इस पॉइंट के लिए y है 0, m कितना है, तो 20 dB है,
x कितना है, तो x यहाँ पे दिया है, x एक्सिस की वैल्यू दिया है 1000, लेकिन हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 1000 लिखेंगे, क्योंकि लॉगरिथमिक स्केल है। और c, तो इसका मतलब वैल्यूज पुट कर दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, तो 0 इज इक्वल टू 20 log 1000 प्लस c, तो यहाँ से हमें c मिल जाएगा, तो c की वैल्यू मिल गई -60। ये c की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, log ओमेगा 3, तो हमें log ओमेगा 3 मिल गया। log ओमेगा 3 अगर मिल गया तो हमें ओमेगा 3 मिल जाएगा 100, तो ओमेगा 3 की वैल्यू आती है 100 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब हमने ओमेगा 3 की अननोन वैल्यू थी वो भी फाइंड आउट की, और हमारा फैक्टर बन गया, हमारा फैक्टर बन गया अभी 1 plus s by 100। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर भी हमने फाइंड आउट कर दिया। अब फिर से हम सोचेंगे कि कहाँ पे हमारा स्लोप जो है चेंज हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर से स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे फिर से क्या ऐड किया होगा, फैक्टर ऐड किया होगा। अब वो फैक्टर पोल ए की 0 है वो भी हमें पता करना है, तो उसके लिए फिर से वही फंडा यूज करेंगे हम, रिजल्टेंट स्लोप इज इक्वल टू करंट स्लोप माइनस प्रीवियस स्लोप। अब इस पॉइंट के बाद जो भी स्लोप है वो करंट स्लोप है, तो कितना है वो 0 dB/d, और प्रीवियस स्लोप कितना है 20 dB/d, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो रिजल्टेंट स्लोप इज इक्वल टू 0 - 20, तो रिजल्टेंट स्लोप आता है -20 dB, यानी निगेटिव स्लोप है इसका मतलब ये फैक्टर, बट नेचुरली ये फैक्टर क्या होगा, ये फैक्टर होगा पोल, तो वो क्या लिखेंगे हम, 1 plus s by omega 4, लेकिन ओमेगा 4 तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया है, इसी का मतलब हमें कुछ स्लोप इक्वेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें ओमेगा 4 दिया है 1000 रेडियन पर सेकंड, तो हमारा वो फैक्टर हो गया 1 plus s by 1000। ठीक है, चलो तो ऐसे करके हमने फैक्टर्स निकाल दिए, उसके बाद कहीं पे भी स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, अभी यही स्लोप कंटिन्यू है, इसका मतलब हमारा फैक्टर निकालना यहाँ पे खत्म हो गया। तो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने हर एक फैक्टर निकाला, k इज इक्वल टू 1 आया, उसके बाद हमने दूसरा फैक्टर निकाला जो पोल था 1 plus s by 1, उसके बाद हमारे पास तीसरा फैक्टर था वो क्या था, वो 0 था 1 plus s by 10, उसके बाद हमने फिर से एक फैक्टर निकाला वो था पोल, दैट इज 0 1 plus s by 100, उसके बाद हमने और एक फैक्टर निकाला वो था पोल, दैट इज 1 plus s by 1000। अब इन सभी फैक्टर्स को हम अरेंज करेंगे ट्रांसफर फंक्शन में, तो जो जीरो है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, के को भी, सॉरी जो जीरोज है उनको न्यूमरेटर में लिखेंगे, के को भी न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो पोल से उनको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो फाइनली हमारा ट्रांसफर फंक्शन बन जाता है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 into 1 plus s by 10 इंटू 1 plus s by 100 अपॉन 1 plus s by 1 इंटू 1 plus s by 1000। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया था उस पर से हमने क्या बनाया, ट्रांसफर फंक्शन बनाया। सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिजिटल ब्लैकबोर्ड। थैंक यू वेरी मच।